पाकिस्तान भर में वीपीएन पर भी पाबंदी लगाई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वीपीएन सर्विसेज फराहम करने वाली कंपनियों का तशवीश का इजहार करते हुए कहना है कि पाकिस्तान में हुकाम वीपीएन पर भी पाबंदियां लगा रहे हैं। दूसरी जाने पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एसोसिएशन ने भी मुल्क में वीपीएन पर मुमकिना पाबंदी पर तशवीश का इजहार किया। चेयरमैन पाशा मोहम्मद जुहेब खान ने कहा कि वीपीएन पर पाबंदी मुल्की मईशत और आईटी शोबा की तरक्की के लिए नुकसानदेह होगी, क्योंकि ये पाबंदी हुकूमत के $15 अरब की बरामदात के हदफ को हासिल करने की राह में रुकावट बनेगी। उन्होंने मुतालबा किया कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन के साथ एक मुश्तरका वर्किंग ग्रुप तश्कील देकर इंटरनेट सर्विसेज के बिला तातुल ऑपरेशन को यकीनी बनाया जाए। वीपीएन होता क्या है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक सॉफ्टवेयर है जो सार्फिन का इंटरनेट एड्रेस बदलकर उन्हें एक नई शनाख्त देता है, जो आपके इंटरनेट सर्विस मुहैया करने वाली कंपनी से यकसर मुख्तलिफ होती है। वीपीएन एक सुरंग सी बनाता है और जब आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो आपका डाटा आपके आईपी एड्रेस की बजाय वीपीएन के सर्वर से जाहिर होता है, जो हो सकता है किसी दूसरे मुल्क में मौजूद हो। इस नई शनाख्त और सर्वर के बाइस इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले शख्स की ऑनलाइन सरगर्मी छुप जाती है और इसकी गुफ्तगु वगैरह महफूज हो जाती है। ना सिर्फ ये बल्कि वीपीएन इस्तेमाल करने वाला सारिफ वो तमाम वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस इस्तेमाल कर सकता है जो उसके असल इंटरनेट एड्रेस वाले मुल्क में दस्तयाब नहीं होती। मसलन चीन में गूगल और फेसबुक की सर्विस बंद है, मगर वीपीएन के जरिए कोई भी शख्स वहां पर ये दोनों प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर सकता है।